बीती रात गणेश विसर्जन के लिए निकली झांकी में किए गए आतिशबाजी से जवाहर मार्केट में एक कपड़ा दुकान में आग लग गई, जिससे आक्रोशित व्यापारियों ने दुर्ग जिला पुलिस अधीक्षक को बाजार क्षेत्र को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है। बीती रात जवाहर मार्केट से गुजर रही गणेश विसर्जन की झांकी में आतिशबाजी की जा रही थी, जिसकी एक चिंगारी एक कपड़ा दुकान में जा गिरी और वह दुकान पूरी तरह जलकर खाक हो गई, जिसे लेकर व्यापारियों ने एक दिन का बंद आह्वान किया और उनमें काफी आक्रोश देखा गया। और इसे लेकर जवाहर मार्केट व्यापारी संघ एवं चैम्बर ऑफ कॉमर्स भिलाई के पदाधिकारियों द्वारा दुर्ग जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव को ज्ञापन सौंपा गया और मांग की गई है कि बाजार क्षेत्रों को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया जाए और किसी भी प्रकार की धार्मिक झांकियों और जुलूस को बाजार क्षेत्र से गुजरने पर प्रतिबंध लगाया जाए। जवाहर मार्केट के व्यापारियों ने बाजार के रास्ते को बंद करने के लिए गर्डर लगाने की पहल की थी, जिसे पुलिस प्रशासन ने रोक दिया। उसके बाद आक्रोशित व्यापारियों ने रैली की शक्ल में CSP छावनी कार्यालय का घेराव किया, जहां दुर्ग जिला पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव से मुलाकात होने पर उनको ज्ञापन सौंपा गया और मांग की गई कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए बाजार क्षेत्रों को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दिया जाए। व्यापारियों द्वारा यह भी कहा गया कि घटना की जानकारी छावनी थाना प्रभारी को देने का प्रयास किया गया, परंतु उन्होंने व्यापारियों के साथ दुर्व्यवहार किया, जिसे लेकर व्यापारियों ने छावनी थाना प्रभारी के निलंबन की मांग तक कर डाली और निलंबन न होने पर चक्का जाम करने की बातें कही, जिस पर दुर्ग जिला पुलिस अधीक्षक आक्रोशित हुए और उन्होंने सर्वप्रथम व्यापारियों के फायर एवं सेफ्टी लाइसेंस की जांच करने के आदेश CSP छावनी कौशलेंद्र पटेल को दिए। वहाँ पे गणेश निकला था, ऑर्गेनाइजर से सर्टिफिकेट लिया जाएगा, ऑर्गेनाइजर सर्टिफिकेट ना होने का ऑर्गेनाइजर के ऊपर कार्रवाई की जाएगी और जिन दुकान के फायर सेफ्टी नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते दुकानदार के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। सर, ऐसी पुनरावृत्ति ना हो उसको लेकर के पुनरावृत्ति के लिए फायर सेफ्टी नॉर्म्स को फॉलो किए जाएंगे, फायर सेफ्टी नॉर्म्स को फॉलो करेंगे तो कहीं भी पुनरावृत्ति नहीं होगी। जवाहर मार्केट व्यापारी संघ के अध्यक्ष ने भी अपनी बातें मीडिया से साझा करते हुए कहा कि हम पुलिस प्रशासन का साथ देने को तैयार हैं, परंतु पुलिस प्रशासन भी हमारी परेशानियों को समझे। वहीं चैम्बर ऑफ कॉमर्स भिलाई का कहना है कि इस तरह की घटनाओं से व्यापारियों को आर्थिक और मानसिक दोनों ही क्षति होती है और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए जरूरी होगा कि बाजार क्षेत्रों को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर किसी भी धर्म समुदाय के जुलूस या झांकी को बाजार क्षेत्र से गुजरने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया जाए। माननीय SP साहब से हमारी बात हुई, कल जो घटना हुई थी उस संबंध में हमने उनको बताया और हमने अपनी मांगों को उनके सामने रखा है। उन्होंने भी कुछ नियम कानून जो होते हैं वो बताए हैं, तो उस पर हम भी विचार करेंगे, वे भी विचार करेंगे और जो कार्रवाई उचित होगी वो करने का उन्होंने आश्वासन दिया है। मतलब हमने कहा कि भाई हम ये दो मांगे हैं हमारी, इन्हें पूरा किया जाए, तो बोले मैं जांच करवा लेता हूँ, यदि आपके मांगे सही पाई है कार्रवाई करूँ। व्यापारी वर्ग क्या चक्का जाम करने की बातें कह रहा था? व्यापारी वर्ग चक्का जाम करने की हमने बात की थी, लेकिन जब SP साहब ने ज्ञापन ले लिया, SP साहब से बात हो गई, तो हम समय देंगे उनको, वो उस पर कार्रवाई करेंगे। लगातार बहुत समय से हमारे व्यापारी संगठनों द्वारा, चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा, एक पहले भी प्रशासन से अपील की गई थी कि जो हमारा घना बाजार क्षेत्र है, पुराना 40-50 साल के स्ट्रक्चर पे है, यहाँ से कोई भी जुलूस या विसर्जन झांकी या किसी तरह कोई संगठन का कोई यात्रा यहाँ से ना निकले और आतिशबाजी इस बाजार में ना हो। कल जैसे प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार जो सूचना है उसके अनुसार कल एक विसर्जन झांकी कल निकली है, जिसकी आतिशबाजी से ये अगजनी की घटना हुई है और हमारे बीच का वो व्यापारी आज दिवाली के हिसाब से जिसने पूरी नई खरीदी की हुई थी और लगभग लाखों रुपए का स्टॉक उसकी दुकान में था, आज उसके ऊपर एक पहाड़ जैसा दुख टूटा है और आर्थिक क्षति भारी रूप से हुई है। बाजार के पैसे हैं, कर्जे हैं, सब चीज़ें हैं, लेकिन वो एक छोटी सी विसर्जन झांकी के रूप में जो एक छोटी घटना हुई उसके जीवन भर के लिए उसके लिए एक ड्रॉबैक हो गई है। तो आज उस चीज़ को लेकर हम लोग प्रशासन से पुनः अपील कर रहे हैं, कल कलेक्टर साहब से 1 बजे का समय भी मिला है हम लोगों को इस विषय में बात करने को लेकर, कि इस क्षेत्र को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया जाए, यहाँ किसी तरह का कोई संगठन का या विसर्जन का या कोई भी धार्मिक जुलूस यहाँ से ना निकले, उसको पूरी तरह इस क्षेत्र को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया जाए और यहाँ से आगे कोई तरह की यात्रा निकले ताकि दोबारा भविष्य में ऐसी घटना इस बाजार क्षेत्र में ना हो। साथ ही साथ हमारे अन्य विषय भी हैं जो लगातार बाजार में व्यापारियों को फेस करने पड़ रहे हैं, उन विषयों को भी हम प्रशासन के सामने मजबूती से रखेंगे, रेखांकित कराएंगे और उनका समाधान करने का प्रयास करेंगे।
इसमें भैया बताएंगे कि आगे थाना प्रभारी? देखिए मैं कल था नहीं, लेकिन जैसा व्यापारियों की सूचना आ रही है उसके हिसाब से बताया जा रहा है कि जैसी सूचना दी गई थी वैसा उस समय क्रियान्वयन हुआ नहीं। ऐसी स्थानीय व्यापारियों द्वारा जो कुछ लोगों द्वारा बोला जा रहा है, हम लोगों का प्रयास ये रहेगा कि प्रशासन के साथ व्यापारियों का जो समन्वय है वो प्रॉपर तरीके से हो, क्योंकि हम लोग एक दूसरे के पहलू हैं, एक दूसरे के साथ हम लोगों को चलना पड़ेगा। हमारा आपसी कोई द्वेष है नहीं, तो हमको प्रशासन हमेशा सहयोग करता रहा है और आगे हम प्रयास करेंगे कि कहीं अगर कोई इफेक्ट बट रहा है तो उसको लेकर हम डिसॉल्व करें और प्रशासन के साथ पूरे कदम ताल मिला के हम चल पाएँ। और हमको लगातार उन लोगों के साथ काम पड़ते रहना, चाहे नगर निगम हो, प्रशासन हो, ट्रैफिक हो, अन्य कोई भी डिपार्टमेंट हो, तो उनके साथ लगातार हम लोग कोशिश करेंगे कि उनके साथ हमारा तालमेल रहे और प्रॉपर तरीके से हमारी वर्किंग चले उनके साथ। सामने आ रहे व्यापारी सीजन को देखते हुए कपड़ा व्यवसायी ने लाखों का माल अपने दुकान में रखा था, परंतु आतिशबाजी की एक चिंगारी ने सब कुछ जलाकर खाक कर दिया। यहां सवाल यह उठता है कि क्या दुकानदार ने फायर सेफ्टी लाइसेंस लिया था और क्या दुकान में इसके पुख्ता इंतजाम थे? अगर थे तो गलती किसकी है और अगर नहीं थे तो गलती किसकी है? ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।